हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव गर्ग। लास्ट क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था, एमफेस स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसमें प्रोफेस और मेटाफेस हम कर चुके थे, ठीक है। प्रोफेस क्या किया था? प्रोफेस में क्रोमोसोमल जो मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, सेंट्रोसोम्स जो है वो सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। याद आ गया, ठीक है। मेटाफेस में क्या होता था? मेटाफेस कब स्टार्ट होता था? जब न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरह से गायब हो जाती थी, डिसइंटीग्रेट हो जाती थी, साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फैल जाते थे, स्प्रेड हो जाते थे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और हमारा जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाता था और उनको सेल के इक्वेटर यानी कि मेटाफेस प्लेट पर ले आता था, ठीक है। हम आपको रिवाइज इसलिए करवा रहे हैं बच्चों, माइटोटिक डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हमारी मियोसिस भी आएगी तो वहां पर इसका काफी ज्यादा रोल है बच्चों, ठीक है। अगर आपने माइटोटिक डिवीजन जो है, माइटोसिस जो है वो अच्छे से कर लिया तो आपको मियोसिस में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं हमारा एनाफेस। बच्चों कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें इस फेस में बहुत ही छोटा फेस होता है बच्चों ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको यहाँ पे नाम दे दिया डॉटर क्रोमेटिड्स, क्योंकि डॉटर सेल्स में जाने वाली है ना, नए न्यूक्लियाई बनाने वाली है, तो इसको नाम दे दिया डॉटर क्रोमेटिड्स। इसमें ये डॉटर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और पोल्स की तरफ मूव करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। पोल्स की तरफ मूव करते वक्त इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? जो सेंट्रोमियर होता है वो लीडिंग एज होता है बच्चों, यानी कि आगे की तरफ होता है, और जो क्रोमोसोमल आर्म्स होती हैं वो उनके पीछे होती हैं, ठीक है, ठीक है। फिगर में देखते हैं, फिगर में कैसे दिया हुआ है। फिगर में बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ये था और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, ये यहाँ पर ये सब सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो चुकी हैं और ये अपने अपने पोल्स की तरफ यानी कि अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रही हैं, जिनसे ये जुड़ी हुई थी स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ आगे देखिए, ये वाइट पोर्शन जो है काइनेटोकोर कह सकते हैं आप इसको, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रोमियर भी कह सकते हैं, सेंट्रोमियर है इसका, ठीक है। यहाँ ये आगे की तरफ है और ये आर्म्स जो है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। एनाफेस बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है बच्चों, इतनी सी ही बात है उसके अंदर। क्या की फीचर है इसके, ये देखिए कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और क्रोमेटिड्स जो है मूव टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है। दो ही पॉइंट है इसमें, इजी रहेगा आपको याद रखना। एनाफेस में क्या होता है, क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर अलग हो जाता है और जो क्रोमेटिड्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा टीलोफेस। टीलोफेस बच्चों मोस्टली प्रोफेस का अपोजिट होता है, ठीक है। क्या क्या की फीचर्स हैं इसके, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्रोफेस में तो क्रोमोसोमल का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, इसमें कंडेंसेशन हट जाता है, ठीक है, यानी कि वो लूज होना शुरू हो जाते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि आइडेंटिटी खो देते हैं, ठीक है। लूज होकर के वो पूरी तरह से फैल जाते हैं नियर दी पोल, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पहुंचकर अब हमें कोई भी इंडिविजुअल क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो सब अपने इंडिविजुअलिटी या आइडेंटिटी खो चुके हैं, लूज हो चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप बन चुका है, ठीक है, देखिए, और जिससे कि दो न्यूक्लियाई हमें दिखने स्टार्ट हो गए हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा से
बन गया है। ये हमारा प्रोफेज का अपोजिट है बच्चों। ठीक है, याद आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। टीलोफेस और एनाफेस क्लियर है ना आप लोगों को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब आता है साइटोकाइनेसिस। अभी तक हमारी माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है, माइटोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, कैरियोकाइनेसिस ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एम फेस का कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है, सेकंड पार्ट तो बाकी है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं, अब उनको डिवाइड करना है, अलग अलग सेल में साइटोकाइनेसिस करनी है। ठीक है, उनका साइटोप्लाज्म अलग अलग करना है। ठीक है, साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में कैसे होती है? इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये चीज दिखाई गई है हमें। ये चीज क्या है? सेल मेम्ब्रेन की फ्यूरो है, क्लीवेज है, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करती है और इसको यहां से सेपरेट कर देती है। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर इस तरह से साइटोकाइनेसिस होती है बच्चों, बाय दी फ्यूरो। फ्यूरो या क्लीवेज कह सकते हैं, वो धीरे धीरे डीपन्स होती जा रही है, अंदर की तरफ होती जा रही है और आपस में जाकर ज्वाइन हो जाती है, जिससे कि ये एनिमल सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम एक बार अब कर देते हैं। लेकिन 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 प्लांट सेल्स के अंदर, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस वजह से वहां ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो उनके अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? मान लीजिए ये हमारी प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल वॉल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर न्यूक्लियस बन चुका है, यहाँ न्यूक्लियस बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सेल प्लेट के द्वारा होती है। यहाँ बीच में एक सेल प्लेट बन जाती है, जो धीरे 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 बाहर की तरफ मूव करती है दोनों तरफ से। ठीक है, और क्या होता है, जब तक कि वो सेल वॉल से मिल नहीं जाती तब तक वो बाहर की तरफ मूव करती है। एनिमल सेल में तो अंदर की तरफ मूव करते हैं ना, और लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये जो सेल प्लेट है, ये हमारी सेल प्लेट देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, वो बाहर की तरफ मूव करती है, और जब तक कि वो सेल वॉल से मिल नहीं जाती तब तक वो मूव करती है। बाद में जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसको मिडल लेमिना भी कहा जाता है। इस तरह से प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, जब बाहर की तरफ मूव करती है और वो जो सेल प्लेट वहां पर रह जाती है, वो मिडल लेमिना का काम करती है, दो सेल्स को आपस में जोड़ती है। मिडल लेमिना हमने पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे ये है कि कुछ सेल्स क्या होती हैं, वो कैरियोकाइनेसिस कर लेती हैं, आगे साइटोकाइनेसिस नहीं करती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उन सेल्स को हम क्या कह देते हैं? मल्टी न्यूक्लियेट, क्योंकि उनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? मल्टी न्यूक्लियेट। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अब तक जो हमने पढ़ा माइटोसिस, उसका फायदा क्या है? माइटोसिस का क्या फायदा है? ठीक है, माइटोसिस का फायदा है सबसे पहले तो सेल साइज। क्या है? सेल साइज। मान लीजिए कोई सेल के अंदर माइटोसिस होते ही नहीं तो वो धीरे 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 बढ़ता ही रहता और काफी बड़ी हो जाती एक सेल। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब एक सेल अपना प्रॉपर साइज गेन कर लेती है और उसको फर्दर नहीं डिवाइड, फर्दर उसको बढ़ना नहीं होता, उसके साइज को गेन करना नहीं होता, तो वहां पर वो उसको डिवाइड कर देते हैं।
एक अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर साइज आने के बाद उसको वहां से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो दो भागों में बट जाती है और दो सेल बन जाती है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा ग्रोथ है बच्चों। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में मल्टी न्यूक्लियस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, एक सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल्स बनते रहते हैं और मल्टी सेलुलरिटी जो है ऑर्गेनिज्म की वो बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोमल नंबर को मेंटेन रखना। 2n है, 2n से 2n और 2n ही बने, क्रोमोसोमल नंबर को मेंटेन रखती है क्या, माइटोसिस। ठीक है, और साथ ही साथ रिपेयर का काम करती है। किस चीज का, रिपेयर का। कोई भी सेल खराब हो जाती है तो उसकी जगह नई सेल बना दी जाती है, रिपेयर कर दी जाती है। यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कौन सी होती है, हमारी स्किन की अपर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी डेड होती रहती हैं और नई सेल्स यहाँ से बनती रहती है। माइटोसिस यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ हमारा गट है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उनकी जो सेल्स हैं वो बहुत ही जल्दी डेड होती हैं, वहां पर रिपेयर की काफी जरूरत होती है, तो वहां पर भी माइटोसिस होती है। हमारी बोन मैरो है, ब्लड सेल्स हैं, वहां पर भी जल्दी जल्दी माइटोसिस होती हैं। ये तो बात थी एनिमल्स की। अब बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स में ग्रोथ के लिए मेरिस्मेटिक टिश्यूज में बहुत ही जल्दी माइटोसिस होती हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें इनकी क्या दिए हुए हैं, फायदे दिए हुए हैं, माइटोसिस के क्या क्या फायदे हैं। माइटोसिस सबको समझ में आ गई है, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि माइटोसिस बहुत जरूरी है बच्चों समझना। इसके बाद ही जब आपको माइटोसिस समझ में आती है, उसके बाद ही हम मियोसिस स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि बेस यहीं से है। मियोसिस का जो बेस है वो माइटोसिस है, और नीट पर्पस से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइटोसिस में। अगर आपको लगता है कि आपको माइटोसिस समझ में आ गई है, तो आप अपनी बुक में से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बच्चों पूछ लीजिएगा। आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपडेट्स के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोची क्लासेस के नाम से, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां नेट से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारी वीडियोज भी वहां पर मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।